नमस्कार बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो। मैं अनीता मैम, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ियानी। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी की कविता हमने डरना कभी नहीं जाना, जो कि श्री प्रसाद द्वारा रचित है, आज इस कविता को पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, हमने डरना कभी ना जाना। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये श्री प्रसाद जी ने की कविता सैनिकों के बारे में लिखा है। इस कविता में वीर सैनिक जो बहादुर होते हैं, निडर होकर सीमा पर दुश्मनों से रक्षा करते हैं, दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, सैनिकों के बारे में इस कविता के बारे में श्री प्रसाद जी ने बताया है। देखो, हमने डरना कभी नहीं जाना आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से, कांटे आते उन्हें हटाते तुरंत बनाते रहा, बड़े बड़े पुलों की भी करते हैं कभी परवाह, सिर अपना ऊंचा रखते हैं हरदम हम अभिमान से, हमने डरना कभी नहीं जाना आंधी से तूफान से। देखो बच्चों, इस पदांश में कवि श्री प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं कि हमने डरना कभी नहीं जाना आंधी से तूफान से। यहाँ पे वीर सैनिक अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि कितने, यहाँ पर जो वीर सैनिक है वो कितने बहादुर है, कितने निडर है, वो कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में कभी डरना नहीं सीखा, चाहे हमारे रास्ते में आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए। कहने का तात्पर्य है कि कविता कि हमारे मार्ग में जब हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे रास्ते में चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, यानी कि हमें आंधी तूफानों का भी सामना करना पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटते, अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते जाते हैं। देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से, शान यानी कि गर्व से, हम अपनी आन बान और शान यानी कि गर्व के साथ अपनी मंजिल पर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, कांटे आते उन्हें हटाते तुरंत बनाते रहा, रहा का मतलब यहाँ पे बच्चों है रास्ता, रहा का अर्थ है रास्ता। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कांटे आते, वीर सैनिक कह रहे हैं कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ अपने मंजिल पर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे रास्ते में अनेक मुसीबतें आती हैं, अनेक कष्ट आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, कांटे आते उन्हें हटाते, लेकिन हम कांटों का मतलब यहाँ मुसीबतों से है कि हम उन कांटों को यानी कि तुरंत हम उन मुसीबतों का समाधान कर लेते हैं और उन अपना रास्ता बना लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। बड़े बड़े रोड़ों के भी करते हैं परवाह, रोड़े रोड़ों का अर्थ है यहाँ पत्थरों से है कि अगर हमारे रास्ते में बड़े से बड़े पत्थर भी आ जाए तो भी हम घबराते नहीं है, उनकी भी हम परवाह, परवाह यानी कि चिंता, हम उनकी भी चिंता नहीं करते और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, फिर अपना ऊंचा रहते हैं हरदम हमें, हरदम हमें अभिमान से। यहाँ पे वीर सैनिक कह रहे हैं कि हम अपना सिर हमेशा हमारा सीना छोटा होता है और हमारा सिर ऊंचा रहता है, अभिमान यानी कि गर्व से हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहता है, कभी भी हम डरते नहीं है, घबराते नहीं है, हमने डरना कभी नहीं जाना आंधी से तूफान से। यहाँ पे वीर बहादुर सैनिक कह रहे हैं कि हम सीमाओं पर डट कर
चाहिए। देखो बच्चे इस पदांश में जो शब्दार्थ आए हैं सूरज सूर्य रहा, पहले वाले पदांश में भी आ चुका था रास्ता, हरदम हमेशा, ध्यान से यानी कि पूरे ध्यान से हम अपने रास्ते को देखते हैं, हमने डरना कभी नहीं जाना आंधी से तूफान से। यहाँ पे भी इसे कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में कभी डरना तो सीखा ही नहीं, हम हमेशा निडर होकर अपने रास्ते पर अपने लक्ष्य पर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। देखो बच्चों इस प्रधान का भाव क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि वीर पुरुष क्या होते हैं, धैर्यवान होते हैं, निडर होते हैं, उनके अंदर अत्यधिक सामर्थ्य शक्ति होती है। प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि वीर पुरुष धैर्यवान होते हैं, उनके मन में चाहे बड़े से बड़े, कवि कह रहे हैं कि उनके उनके यानी कि वीर सैनिकों के मन में चाहे बड़े से बड़े घोड़े पत्थर काटे, चाहे कितनी भी मुसीबतें कितनी भी बाधाएं आ जाए, वो उनसे कभी डरते नहीं है और उनकी परवाह किए बिना यानी कि उनकी चिंता किए बिना वो अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य कवि का है कि वहां पर वीर सैनिक आंधी तूफानों से डरते नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हमने डरना कभी न जाना कविता का फर्स्ट पार्ट था। जब आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम इसमें इसका दूसरा पार्ट करवाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।